अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ भाई सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, बड़ी ही इजी और क्विक रेसिपी। ठीक है, तो ये वो रेसिपी है, अगर किसी को भी बच्चियों को भी अगर नहीं आती है ना कुछ बनाने के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपने कि आज मैं क्या बनाऊँ, मुझे तो ये नहीं आता, मैं इससे पूछूँ उससे पूछूँ, किसी से नहीं पूछना है। सिर्फ इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है और 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत सारे स्पाइसेस नहीं चाहिए, सिर्फ बेचारा ये पोटैटो चाहिए बहुत सारे। ठीक है, इस एक पोटैटो से आपकी रेसिपी कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत से क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा पोटैटो थे तो मैंने कट करके रख लिए, इस तरीके से पोटैटो मैंने कट किए और दो मैं आपको कट करके बता देती हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो है, आपकी नाइफ का शार्प होना बहुत ज़रूरी है, इतना भी शार्प नहीं करना कि आपके हाथ कट जाएँ, लेकिन थोड़ा बहुत इतना हो कि आप फटाफट अपनी वेजिटेबल को कट कर सकें। ठीक है, ये मैं ये ख़ास तौर पर मैं ऐसा गैजेट एक दिखा रही हूँ, जिनको मैं दिखा रही हूँ समझ गए होंगे, मैं जिनकी नाइफ बिल्कुल भी शार्प नहीं होती, दो बंदों के लिए बोल रही हूँ, सुन लो, यहाँ जिनके लिए बोल रही हूँ वो समझ गए होंगे। तो आप ये ज़रूर लीजिए और मिनटों में अपनी नाइफ को शार्प कीजिए और फिर अपनी किचन में जो है ना वो आप कटिंग आपने कटिंग करनी है। ठीक है, इतना ईजी है, इस गैजेट से आपने नाइफ को शार्प करना है। ये देखें, इसको यूँ पकड़ना है और इसको ऐसे चलाना है। ये तो मैं अभी आपको ऊपर करके इसलिए दिखा रही हूँ, ये देखें, वरना आप नीचे रख के इसको दो तीन दफ़ा ऐसे इसको शार्प करना। ये देखें, छोटा सा गैजेट है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, और ये मैं जिनके लिए बता रही हूँ वो सुन लो आप। हाँ, और अब मैं आपको ये कटिंग करने का तरीका बताती हूँ, इतना इजी तरीका है, इतना इजी तरीका। ये देखिए, आपने पोटैटो लेना है, इसको इस तरीके से आपने कट करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, भले आप नक्शे बनाते जाएँ कोई फिक्र की बात नहीं, आपने बिल्कुल जो है ना इक्वल बनाने, नहीं भाई बना दो बस, कुकी होना है, बच्चों ने खाना है। ले लेना। ठीक है, मैं ये कढ़ाई लूँगी क्योंकि मैं इसी में बनाती हूँ अपना, और इसमें आपने मैंने ये वॉश कर ली है, एक दफ़ा फिर मैं करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से, मैंने पहले भी किए थे और अभी दोबारा कर दिए मैंने वॉश, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मैंने इसको वॉश कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपने इसको ऐड कर देना। ठीक है, इन पोटैटोस को जितने आपने लेने हैं, एक मिनट बेटा, एक मिनट बच्चा, अजी मैं निकल लिया। ठीक है, ओके अजी, ये इसकी और लेनी थी ना, मैं बोला मैं एक काम करता हूँ, इसको ना ऐसे ना ये इसको ऐड करता हूँ, तो ना मैं ना ऐसे उस पे पाउडर ना इसे लेकर करता हूँ, देखो जी मैंने ऐसे की, फिर मैंने इसकी ऐसे की, ठीक है, शेडिंग की, ठीक है, इसकी ये की, फिर पूरा मैंने जेब की। ओके ओके, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आप क्या क्या ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी, अभी मैंने फ्लेम ऑन इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत आवाज़। ये देखें जी, अब मैंने इसमें क्या क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल दें, आपको ज़्यादा खाना है या कम, वैसे कम ऑयल अच्छा लगता है, ज़्यादा सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और स्पाइसिस मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें क्या क्या डालने हैं, सिंपल से स्पाइसेस हैं, ज़्यादा नहीं है। ये देखें, इसमें मैंने डाली है 1 टेबलस्पून से भी थोड़ी सी कम है कुटी हुई मिर्च। ठीक है, कुटी हुई मिर्च आप ज़्यादा डालें, अगर आपके घर में बड़ों ने सबने खाना है, बड़े बच्चे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मैं नहीं बनाती हूँ। ठीक है, और ये है मेथी, सूखी मेथी, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और ये भी आपने 1 टेबलस्पून ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना कि फिर ऐसा नहीं हो कि अच्छा नहीं लगे किसी को फ्लेवर। और सबसे मेन चीज़ आपने नमक का ख्याल रखना है, आपने ये ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ पोटैटो है, इसमें कोई टमाटर कोई और चीज़ ऐड नहीं की हुई, तो इसलिए हम लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखना है कि हम ये ज़्यादा ना कर दें। ठीक है, 1 टेबल स्पून भी आपने बहुत भर के नहीं डालनी। और ये मैंने थोड़ी सी डाली है अजवाइन। ठीक है, अजवाइन इतनी है कि 1 टीस्पून से भी कम डाली है मैंने। ठीक है, बिल्कुल कम, क्योंकि ऑब्वियसली पोटैटो हैं तो ऐसा नहीं हो पेट में दर्द हो कुछ भी हो,
तो इससे ये कि नहीं होता दर्द, ठीक है। ख़ास तौर पे आपके घर में बच्चे हों तो आप ये ज़रूर डालें अजवाइन। बस सिर्फ ये स्पाइसेस है, मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल डाला है। अब मैं ये सारे स्पाइसेस एक साथ डालूंगी, ठीक है। ये सब स्पाइसेस मैंने एक साथ डाले, ठीक है। और इसमें डालना है ये साबुत ज़ीरा, ठीक है, ये ज़रूर आपने डालना है। ये भी मैं 1 टीस्पून भर के डाल दी मैंने, ठीक है। बस ये स्पाइसेस इसमें डालेंगे। अब आपने इसमें डायरेक्ट जो है ना फ्लेम, देखे मैंने ऑन नहीं की हुई, इसमें ये सारे स्पाइसेस डाल के उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी आपने ऐड कर देना, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप फ़ौरन फ्लेम ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो वीडियो शूट कर रही हूँ तो इसलिए मैंने फ्लेम ऑन नहीं की कि आवाज़ होगी फिर। तो ये देखिए, ठीक है, ये हमने इसको सब मिक्स कर दिया। और इसके बाद आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए आपने इसको कवर कर देना है। 10 मिनट्स के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। आप चेक कीजिएगा, इसका जो हमने 1 गिलास पानी डाला है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इतने यमी बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने अगर इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाया है तो कैसे बने। चलें अब जब ये कुक होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें भाई, ये हो गया है रेडी। वाह, इतनी प्यारी खुशबू है इसकी। ये देखें, बहुत अच्छे बनते हैं ये, बहुत यम्मी बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इतने पतले पतले कट किए हुए होते हैं तो उनको तो टाइम नहीं लगता है पकने में। तो ये मेरी आज की रेसिपी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी।